काशीनगर गांव में छठ पूजा की तैयारियां चलने लगी थी। सभी गांव वाले उसकी तैयारियां में जुट चुके थे। उसी गांव में एक रमा नाम की बूढ़ी अम्मा अपने बेटे और बहू के साथ रहा करती थी। अम्मा अपनी बहू से कहती, बहू मुझे भी जल्दी मरने से पहले पोता या पोती हाथ में लाके दे दे, ताकि मैं भी चैन से मर सकूं। सबके यहाँ बच्चे हो गए और तुम दोनों के शादी को 17 साल हो चुके हैं, ना जाने मेरी ये आखिरी इच्छा कब पूरी होगी। रमा की बहू अपनी सासू माँ को संभावना देते हुए कहती, माँ जी भगवान के हाथों में सब कुछ है, मैं क्या करूं? लोग मुझे हमेशा यही कह के ताना मारते हैं कि मैं बांझ हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ माँ जी। उसकी सासू माँ उदास मन से अपनी बहू की बातें सुन रही थी। रमा की बहू से कहती, माँ जी मेरे मायके में छठ पूजा हो रहा है, क्या मैं वहाँ जाऊँ? उसकी सासू माँ तैयार हो जाती। रमा की बहू लता अपने मायके जाने के लिए तैयारी करने लगती। इधर उसके पति श्री दयाल के दोस्त उससे पूछते हैं, क्या हुआ मित्र, तू उदास क्यों है? तू हमें भी बता सकता है अपनी परेशानी। श्री दयाल दबे आवाजों में कहता, अरे मित्र मेरी माँ की मैं इच्छा पूरा नहीं कर पाया, हमारे यहाँ शायद वंश नहीं है। उसके मित्र उसे समझाते। इधर उसकी पत्नी लता मायके चली जाती। मायके वाले आपस में बात करना शुरू कर देते, ये लता के शादी को कितने दिन हो चुके और अभी तक इसके कोई बच्चे नहीं है, बेचारी बांझ ही रह गई, हमें इससे साया से भी दूर रहना चाहिए, हमें हमारे बच्चों को भी उससे दूर रखना पड़ेगा, ना जाने कब किसकी नज़र लगे और कब समय बदल जाए कोई नहीं जानता है, इसलिए हमें उससे सतर्क रहना होगा, चलो जल्दी फटाफट उसकी भाभी को ये भी बता दें। गांव की औरतें लता के यहाँ आती और उसकी घर की बहू को ये बात बताती, देखो बहू तुम तो नई नवेली दुल्हन हो, तुम्हें दुनियादारी के बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन तुम्हारी जो ननद आ रही है वो बांझ है, उससे ज़रा दूर ही रहना, उसकी परछाई अपने बच्चे पे भी ना पड़ने देना, क्योंकि अगर उसकी बुरी नज़र तुम्हारे बच्चे पे लग गई तो भगवान ना करे, ना 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 कहीं तुम भी उसकी तरह ना हो जाओ, हम लोग देखो चाहते नहीं है, बस तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। इधर उसका बच्चा रोने लगता। जोर जोर से रोने का आवाज़ सुन लता आते ही दौड़ते हुए मुन्ना के कमरे में जाती और कहती, मुन्ना ओ मुन्ना चुप हो जा, तेरी बुआ आ गई है। बच्चा खेलने लगता, तभी पीछे से चिल्लाती हुई उसकी भाभी आती और कहती, रुक जाओ लता दीदी, मुझे क्षमा करना, पर एक काम करो, मुझ पे दया दिखा के प्लीज़ मेरे मुन्ने से दूर रहो, प्लीज़ बुरा मत मानना, लेकिन अब मेरे मुन्ने से दूर रहो दीदी, छठ पूजा के लिए आई हो, बस वही काम करा दो। लता आंखों में आंसू लिए और मन में बहुत सारा दुख दबाए हुए कहती, अच्छा ठीक है भाभी मैं आती हूँ, जरा कमरे से काम है, और वहाँ से चली जाती। कमरे में जाके खूब जोर जोर से रोती। उसके रोने का आवाज़ सुन उसका भाई आता और उससे कहता, अरे लता क्या हुआ पगली, तू रो क्यों रही है, कहीं तुझे माँ पिताजी की याद तो नहीं आ गई, तेरा भाई है ना तेरे पास दीदी, तू चुप हो जा। लता झट से अपने आंखों के आंसू दबा के कहती, अरे नहीं भाई कोई कमी नहीं है मेरे मायके में, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कुछ याद आ गया था और अम्मा की याद आ गई थी इसलिए मैं रो रही थी। वो अपने भाई को उसकी भाभी की कही हुई बात नहीं बताती, मन ही मन उसको ये बात खाते रहता और देखते ही देखते वो बहुत दुखी हो जाती। उसका भाई कहता, देख तू यहाँ आई है तो चैन से रह, तुझे जितना दिन रहने का मन है तू रह सकती है, मैं हूँ ना, मैं जब तक हूँ तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। लता सब कुछ भूल के छठ पूजा की तैयारियां शुरू कर देती।
छठ पूजा के घाट पे भी जाती तो वहाँ वो किनार पे बैठी रहती ताकि गांव की औरतें उसे बांझ ना कहे या फिर उससे दूरी ना बना के बैठे। वो मायके तो आ चुकी थी लेकिन बहुत ही शर्मिंदा थी और अपने आंखों के आंसू छिपाने में ही लगी रह रही थी और छठी मैया से कृपा की बात कह रही थी। जब छठ पूजा हो जाता और सभी लोग वापस लौटने लगते तो रास्ते में उसे चक्कर आने लगता। लता चक्कर आने के कारण भीड़ से पीछे हो जाती और फिर अचानक चलते चलते वहीं रास्ते में ज़मीन पे जा गिरती। घर वाले उसे घर लेके आते और डॉक्टर को बुलाते। डॉक्टर तो पहले सबको डरा देता। वो कहते हैं, देखो अब से आप लोगों को लता का ज़्यादा ख्याल रखना होगा क्योंकि बात कुछ ऐसी ही है। घर वाले घबराए हुए देख रहे थे। तभी डॉक्टर कहते हैं, अरे भाई आप लोग उदास क्यों हैं? बात अच्छी है, खुशखबरी की है। ख्याल मतलब आपको इनको कहीं बाहर नहीं जाने देना होगा, माँ बनने वाली है लता। लता के घर वाले खुशी से झूम उठते। लता के पास उसकी भाभी शर्माई हुई आती और कहती, लता दीदी मुझे क्षमा कर दो, गांव की औरतों की बातों में मैं आ गई थी, छोटी बहन समझ के मुझे क्षमा कर दो, अब से मैं तुम में और मुन्ना में कभी दरार नहीं डालूंगी। लता बड़ी दिल की थी, वो झट से अपनी भाभी को माफ़ कर देती। वो कहती, आप मेरे सामने बस माफ़ी मांग ली, इससे मेरा भी बोझ हल्का हो गया। आपको क्षमा अब मांगने की ज़रूरत नहीं, मैं तो वैसे ही मान चुकी हूँ और मैं अब यहाँ से झट से अपने ससुराल जाके अपनी माँ जी को ये खुशखबरी देना चाहती। लता वैसा ही करती। एक साल बीत जाता और उनके यहाँ एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची का जन्म होता। बच्ची के जन्म से लता की सासू माँ बहुत प्रसन्न थी। वो अपनी बच्ची के साथ हमेशा खेला करती और लता भी इसे देख हमेशा खुश रहा करती थी। एक दिन लता का पति आश्रम पर अपने गुरुजी को ये खुशखबरी देने के लिए जाता है अपने कुछ मित्रों के साथ। गुरुदेव को वो कहता, गुरुदेव बहुत दिनों बाद हमारे सर से एक बोझ हट गया, मैं पिता बन गया हूँ। गुरुदेव उसे समझाते और कहते हैं, अरे मूर्ख आजकल कोई भी पिता बन सकता है, अनाथ आश्रम के रहते तुझे इतनी बड़ी बोझ अपने सर पे लेके क्यों चलना था? अनाथ आश्रम में कितने बच्चे माता पिता के प्यार के लिए तड़प रहे हैं, तो तू इतने दिनों से माँ बाप बनने के लिए क्यों तड़प रहा था? उन बच्चों को गोद लेता और उन्हें माँ बाप का प्यार देता और तुझे भी बच्चों का प्यार मिल जाता। ये बात लता के पति के तो दिमाग में ही नहीं आई थी। वो गुरुजी के बात गौर से सुन रहा था। वो कह रहे थे, हम बड़े होके दुनिया समाज की बातों पे अपने आप को कोसते रहते हैं और बच्चों के लिए तड़पते हैं, तो सोचो उन बच्चों पे क्या गुजरती होगी जिनके पास माता पिता नहीं है। हमें उन्हें अपनों सा प्यार देना चाहिए। अब लता का पति छठी मैया के कृपा से घर में खुशी से रहता और छठी मैया का व्रत कर। जय छठी मैया।